PSL पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो रहा है और कराची में इसकी इफ्तिताही तकरीब हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले ये बात कर लें, पहली बात देखिए, PSL अब 5 साल का हो गया है, अपने पैरों पर चलने लगा है और ये बहुत ही खुशाइंद है कि लोगों के पास एक ऐसी तामीरी एंटरटेनमेंट है ये, जिसमें मुकाबले का रुझान भी जिससे हमारे यहाँ पैदा होता है, बासलाहियत खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है और आवाम बहुत पुरजोश होते हैं और इंतज़ार करते हैं PSL का। कराची में या पाकिस्तान में स्प्रिंग या बहार का सीज़न बहुत कम आता है, सर्दियों के बाद फौरन गर्मियां शुरू जाती हैं, लेकिन ये PSL के आने से लगता है कि बहार आई है और अगर बहार का कोई मज़ा है तो वो PSL है। तो मैं समझता हूँ कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग खुश हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आने से पूरी दुनिया में भी जो पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया गया, मेरे ख्याल में उसमें भी बहुत नुमायाँ बेहतरी आई है। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आ गई है, तो मेरे ख्याल में और टीमें भी इंशाल्लाह इस PSL के बाद अगले साल, मुझे लगता है इस साल इंशाल्लाह और इंटरनेशनल अच्छी टीमें भी आएंगी। फारुक भाई बाहर तो आ गई, यहाँ पे क्रिकेट भी आ गई, क्राउड भी आ गया, शहर से पेट्रोल गायब हो गया है, तो ये पेट्रोल साजिश के तहत गायब हुआ है? देखें, अब ये मैं समझता हूँ कि कभी आटा गायब होता है, कभी चीनी गायब होती है, कभी दीगर कमोडिटीज इसलिए कि इतनी महंगी हो गई कि लोगों की वैसे भी उनकी रसाई और उनकी एक्सेस से बाहर चली गई बहुत सारी चीज़ें, तो लोग खरीद ही नहीं सकते हैं, हैंड टू माउथ हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार चला गया, पैदावार चली गई, एक्सपोर्ट चला गया। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक इवेंट ऐसा है कि जिसमें